दिल बैठ गया। हम दुखी थे, लेकिन हमसे ज्यादा दुखी दो और लोग थे। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो होने वाला है जो रिसेंटली बाइक लॉन्च की गई है अलग अलग ब्रांड्स, इसमें KTM है, रॉयल एनफील्ड है एंड TVS है, इनके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें मैं आपको BMW की बाइक्स के बारे में भी बताने वाला हूँ, जिसमें G310R के बारे में भी इन्फो होगी, ऑल्सो इसमें 310GS के ऊपर भी होगी जो इनका एडवेंचर मॉडल है। एंड एक वीडियो में आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी सभी ब्रांड्स के बारे में, एंड आप डायरेक्टली स्किप कर सकते हो जिसके बारे में भी आपको जानना है। तो वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350 के रिलेटेड, एंड इसमें मैं आपको ऑन रोड प्राइस भी बताऊंगा। जस्ट ये है कि बाइक की डिटेल बताने से पहले जस्ट ये कि अगर आप लोग इस बाइक के रिलेटेड इंटरेस्टेड हो तो मैं एक डिटेल वीडियो आपको इसके बारे में बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, हर चीज़ इसके बारे में बताऊंगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, और कौन सा कलर मेरे को रिव्यू करना चाहिए, अगर आप लोग कोई पर्टिकुलर कलर उसके रिलेटेड रिव्यू चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। अभी बाइक के बारे में बात करते हैं, इसमें आपको 349cc का इंजन मिलता है, 20.2 BHP की पावर, 27 Nm का टॉर्क मिलता है। नया इंजन है वो आपको मीटियोर से ही इसमें से लिया गया है, एंड इसमें इंट्रोड्यूस करा है जो कि J प्लेटफॉर्म का है, एंड बाइक का जो पावर फिगर्स है वो मैंने आपको बता दी। सो बिगेस्ट अपडेट जो इस बाइक के बारे में वो है, इसमें आपको एक सेमी डिजिटल एक क्लस्टर देखने को मिलता है जिसमें आपको फाइनली फ्यूल गेज दिखाता है कितना पेट्रोल है, और भी चीज़ें इसमें दिखा देता है, क्लॉक आपको ट्रिप के बारे में बता देता है, और इसमें आप नेविगेशन भी चेक कर सकते हो जिसमें जो आपको मीटियोर में मिलता था। तो काफ़ी चीज़ें उससे कैरी करके इस बाइक में इंट्रोड्यूस करा गया है। इस बाइक में आपको 11 कलर देखने को मिलते हैं, और अगर हम ब्रेक की बात करें तो ब्रेक का साइज़ भी इंक्रीज़ करा गया, ऑल्सो टायर का जो साइज़ है वो भी थोड़ा इंक्रीज़ करा गया। इसमें आपको डुअल चैनल ABS भी मिलता है और सिंगल चैनल भी मिलता है, एंड डुअल डिस्क ब्रेक एंड सिंगल डिस्क ब्रेक भी मिलता है, वो डिपेंड करता है आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सभी प्राइस के रिलेटेड बात करते हैं तो ऑन रोड प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएंगे इन्हीं सभी मॉडल्स के, एंड अगर बाकी मैंने जैसा आपसे पूछा था अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा। एंड बाकी अब नेक्स्ट बाइक के बारे में बात करूँ, जो नेक्स्ट बाइक है वो है BMW की तरफ से BMW G310R, एंड ये बाइक में अब आपको अपडेट देखने को मिलेगा, दो नए कलर स्कीम एंड इसमें पावर फिगर्स में, एंड कोई भी नए फीचर ऐड नहीं किए, जस्ट आपको दो नए कलर स्कीम देखने को मिलते हैं, एक व्हाइट और रेड पेंट का कॉम्बिनेशन है, सेकंडली एक ब्लैक है कम्प्लीटली। तो आप इसके दोनों फोटोज देख सकते हो कि ये बाइक में आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। मैंने आपको फोटोज दिखा दिए, दो नए कलर इसमें ऐड करें G310R में, एंड प्राइस इसका सेम ही रहेगा, जो इन्फो आई है कि प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं हुए, अगर फीचर्स एंड पावर सेम रहेगा। बाकी इस बाइक के बारे में कुछ जानना है, माइलेज टेस्ट हो या कुछ और हो तो चैनल पे ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो हैं इसके बारे में, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। जो नेक्स्ट बाइक है वो अगेन BMW की तरफ से, जो कि है BMW G310GS, एंड इस बाइक में भी एक नया कलर स्कीम आपको देखने को मिलेगा जो कि ब्लैक में होगा, एंड आपको इसका फोटो दिखा देता हूँ कि कैसे कलर होगा। ये बाइक भी अभी जल्दी आपको शोरूम में देखने को मिल जाएगी, एंड ऑल्सो इनके ऊपर इन्फो है कि G310R एंड GS दोनों का ही बुकिंग एक्सेप्ट हो रहा है, एंड इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए अगर आप इंटरेस्टेड हो उस बाइक में तो आप अपने नियरेस्ट BMW शोरूम में कांटेक्ट कर सकते हो इसके बुकिंग वगैरह के लिए क्या बुकिंग अमाउंट है। बाकी मैंने आपको डिटेल बता दी, इसमें नया कलर आ रहा है, GS में एक नया कलर आ रहा है और G310R में दो नए कलर आ रहे हैं। तो अभी बात करते हैं TVS की बाइक के रिलेटेड, एंड TVS ने भी RR310 को लॉन्च कर दिया है। आप लोग कौन सी बाइक परचेस करोगे, RR310 परचेस करोगे या फिर RC390, कमेंट्स में ज़रूर बताना। RC390 में बहुत अपडेट करें एंड TVS ने भी, तो आप लोग कौन सी बाइक परचेस करोगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। इनमें सच इतने ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता, एग्जॉस्ट में थोड़ा फ़र्क आपको देखने को मिलेगा, एंड अगर कलर की बात करें तो इसमें आपको नए कलर स्कीम देखने को मिलता है, इसमें रेड अलॉयज मिलते हैं आपको दोनों ही वेरिएंट्स में, जो उसका एक नॉर्मल जो ऑलरेडी आता था एक नया कलर स्कीम देखने को मिलता है। अगर हम पावर फिगर्स की बात करें 5R310 की, तो इसमें आपको 34 BHP का पावर मिलता है, 27 Nm का टॉर्क देखने को मिलता है। पावर फिगर्स इंक्रीज नहीं किए, बट जो अभी इसमें चीज़ इंट्रोड्यूस करी है वो है BTO, वो जो कि है बिल्ड टू ऑर्डर, एंड सो जो चीज़ इन्होंने इंट्रोड्यूस करी है बिल्ड टू ऑर्डर, एंड इसके थ्रू आप अपने हिसाब से अपनी बाइक को कस्टमाइज करा सकते हो। अलग अलग मतलब इसके प्राइजेज हैं जो स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगा, करके जो आपके नीड है उस हिसाब से बाइक को करके आपके नियरेस्ट शोरूम ये बाइक मिल जाएगी आपको, एंड ये बहुत यूनिक है, ऐसा कुछ मतलब 300cc में ऐसा सच कुछ नहीं देखने को मिलता, बट TVS ने ऐसा लॉन्च किया है। बाकी अगर हम बात करें तो इसके TFT में इसमें अपडेट देखने को मिलते हैं, साथ ही साथ इसका जो आपको एग्जॉस्ट है कि इसमें एग्जॉस्ट नोट थोड़ा अलग देखने को मिलेगा, और एग्जॉस्ट का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा बहुत अलग किया गया है।
बाकी अगर हम देखें तो ओवरऑल ये बाइक एकदम कंप्लीट है। इसमें राइड बाय वायर स्लीपर क्लच, आपको अच्छी ब्रेकिंग मिलती है, डुअल चैनल एबीएस। जो टीएफटी में चेंजेस किए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। टीएफटी में आप अपने डॉक्यूमेंट भी स्टोर कर सकते हो। इसमें आपको इंजन रेव लिमिटर मिलता है, डे टाइम ट्रिप मीटर मिलता है। सो ये सब चीजें इसमें ऐड कर दिए हैं। एंड ओवरऑल जो जरूरत है आपको एक बाइक के अंदर 300cc के, वो सब चीज आपको देखने को मिलती है। बाकी अब प्राइस की अगर बात करें तो आपको जो नया जो वेरिएंट है उसका आपको प्राइस आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा। एंड ये मैंने आपको ओवरऑल इसके बारे में बता दिया। अभी बात करते हैं KTM बाइक्स के रिलेटेड। एंड KTM RC सीरीज KTM ने लॉन्च कर दिए। अभी इंडिया में लॉन्च नहीं है, अभी इंडिया के बाहर ही लॉन्च की है। एंड इसमें RC 390, RC 200 एंड RC 125, जैसे मैंने बोला था, ये ऑलमोस्ट मतलब अब बाइक जल्दी से जल्दी लॉन्च होंगी। तो बाइक के बारे में मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि RC 390 में आपको बहुत ज़्यादा अपडेट देखने को मिलेंगे। इसमें जो नया फ्रेम मिलेगा, नया डिज़ाइन मिलेगा, सीट्स नहीं मिलने वाली है। साथ इसमें आपको क्विक शिफ्टर, आपको कॉर्नरिंग ABS, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल मिलेगा, बहुत ज़्यादा चीज़ें इसमें ऐड कर दी। ऑल्सो इस बाइक में आपको अब एडजस्टेबल सस्पेंशन देखने को मिलेंगे। तो बाइक में इतने फीचर्स इस सेगमेंट में डाल दें, अगर ये सारे फीचर्स इंडियन मॉडल में भी होंगे RC 390 के, तो ये बाइक बहुत ज़्यादा मतलब वैल्यू फॉर मनी होने वाली है। एंड काफ़ी फीचर्स इसमें ऐड कर दें। अगर RC 125, RC 390 एंड RC 200 तीनों के बारे में बात करते हैं, जो आपने फोटो पहले देखी थी वो इंटरनेशनल मॉडल आप बोल सकते हो, उनके फोटोज़ थी। एंड मतलब काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पहले ही आपको पता है कि क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं। सो मैं आपको इनके थोड़ी थोड़ी चीज़ें बता देता हूँ। RC 125 एंड RC 390 में आपको TFT स्क्रीन, आगे आपको एक LED हेडलैम्प देखने को मिलेगा। तीनों बाइकों का वेट कम करा गया है, बेटर टॉर्क आपको देखने को मिलेगा, बेटर फीचर्स देखने को मिलेंगे। तीनों के अपने प्राइस के हिसाब से अलग फीचर आए हैं। एंड ये इंडिया में जब आएगी तो ये डिपेंड करता है कि किसमें क्या फीचर्स होने वाले हैं। RC 125 में भी LED मिलता है और TFT मिलता है, तो इंडिया में देखते हैं कि वहाँ पर LED होगा या फिर LCD पैनल होगा। अगर तीनों बाइकों को कंपेयर करें तो तीनों का डिज़ाइन सेम है, सीट्स एकदम सेम है, फ्यूल का जो फ्यूल कैपेसिटी है वो भी सेम है, 13 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलता है, फ्यूल टैंक पहले से इंक्रीज़ किया गया है। एंड ये सब चीज़ें तो इन तीनों बाइकों में सेम है। RC 390 और RC 125 में आपको साइड माउंटेड एग्जॉस्ट देखने को मिलता है, RC 200 में आपको अंडर बेली देखने को मिलता है, तो ये डिफरेंस है इनमें। RC 125 की बात करें, RC 125 में आपको एक TFT स्क्रीन देखने को मिलती है, LED हेडलैम्प देखने को मिलता है, उसके जो लीवर्स होंगे, जो उसके ब्रेक लीवर्स है, ये सब आप फोल्डेबल होंगे। एंड अगर उसके मिरर्स भी फोल्डेबल होंगे, RC 390 और RC 200 में भी ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी कि उसके मिरर फोल्डेबल होंगे। बात करते हैं RC 200 की। RC 200 में जो अपडेट दिए हैं, RC 200 में जो चीज़ सबसे अलग है वो है उसमें एक LCD पैनल, इसमें TFT नहीं दिया है। LCD पैनल जो आपको एडवेंचर 250 में देखने को मिलता है, वही चीज़ इसमें देखने को मिलती है। आगे आपको हेलोजन यूनिट मिलता है, जो आपको ड्यूक 200 में देखने को मिलती है। बाकी डिज़ाइन सेम है, फीचर सेम है, उसमें आपको डुअल चैनल ABS मिलेगा, सुपर मोटो मोड मिलेगा, ये सब चीज़ें इसमें मिलेगी। RC 125 एंड सुपर मोटो मोड की बात करें तो सुपर मोटो मोड तीनों ही बाइकों में आपको इंट्रोड्यूस करा है। ये इंडियन वेरिएंट नहीं है, ये बाहर जो भी इंटरनेशनल मॉडल्स हैं उनके बारे में बता रहा हूँ। एंड देखते हैं इंडियन मॉडल में क्या चेंजेस होंगे। बाकी तीनों ही बाइकों में आपको सुपर मोटो मोड तो मिलते हैं, डुअल चैनल ABS मिलते हैं, बाकी ये सब इसमें नए अपडेट्स हैं। सो कोई और बाइक के बारे में आपको जानना हो तो कमेंट्स में ज़रूर बता देना, उसके अगर वीडियो चाहिए तो ज़रूर बता देना रॉयल एनफील्ड के ऊपर। एंड बाकी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।